However, in real world, many other factors apart from the type of school itself may contribute to the performance of the student, like home background. But we have eliminated that impact by randomizing. हमने randomize data लेने के लिए हमने वो impact है हमने छोड़ दिया, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो school type ही affect करे एक student की जो achievement को है, कि हम school की type of school यही affect कर सकती है. और भी तो बहुत फैक्टर होते हैं, उसका फैमिली का बैकग्राउंड, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड फैमिली का, स्टूडेंट का जो है इंटेलेक्चुअल लेवल है, स्टूडेंट का और बिहेवियर है, और एरिया है स्टूडेंट का, रीजन रीजन में रहता है, उसकी लैंग्वेज है, उसका हैबिट्स है. तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी स्टडी को या उसकी अचीवमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं. लेकिन हम रैंडमाइजेशन के चक्कर में क्या है, उन चीजों को हमने छोड़ दिया. हमने सिर्फ स्कूल टाइप इंक्लूड किया कि ये प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट है, ये गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट है, इनका उनकी अचीवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा. तो हम रैंडमली स्कूलों को उठा लिया, लेकिन बाकी फैक्टर्स को हमने इग्नोर कर दिया. तो ये कई बार स्टडी है, ये मिसलीड करती है, और ये कुछ फैक्टर्स में जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो छूट जाते हैं रैंडमाइजेशन के चक्कर. क्लियर है? Yes. तो ये था हमारा इश्यू ऑफ रैंडमाइजेशन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, क्या कौन कौन से इश्यूज होते हैं. उसके बाद है प्रॉब्लम विद इंटरनल वैलिडिटी. प्रॉब्लम विद इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या है, कि जो इंटरनल वैलिडिटी हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे या कलेक्शन एनालिसिस का डाटा का कलेक्शन करेंगे या एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर हम कौन सा जो डिजाइन है उसको फॉलो करेंगे. स्ट्रक्चर और कलेक्शन करेंगे, डाटा एनालिसिस में कौन सा टेक्निक टूल्स एंड टेक्निक लेंगे, एनालिसिस या डाटा कलेक्शन है दोनों के लिए कौन सी टूल्स एंड टेक्निक या स्ट्रक्चर हमने उसमें डिजाइन करेंगे, वो एक अपने कंक्लूजन को निकालने के लिए. लेकिन जब लॉजिक और स्ट्रक्चर की बात आती है, कोई भी डिजाइन है अगर वो फॉल्टी हो गया, हमने गलत अगर मेथड ले लिया डाटा कलेक्शन का या डाटा एनालिसिस का गलत मेथड ले लिया, तो ये हमारे इंटरनल वैलिडिटी पे सवाल खड़ा कर देता है. हमारा जो इंटरनली जो रिसर्च है वो गलत हो जाएगी या लीड कर देगी स्टडी हमारी. तो जो इंटरनल वैलिडिटी के लिए हमें क्या करना होगा, कि डाटा का जो मेथड कलेक्शन है, डाटा कलेक्शन मेथड है वो सही चूज होना चाहिए, हमारा डाटा एनालिसिस है वो चूज होना चाहिए. तो जो भी रिसर्च डिजाइन है वो सही होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चरिंग सही होनी चाहिए, तब हमारा सही है. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इंटरनल वैलिडिटी से होती है, इससे रिलेटेड. उसके बाद हिस्ट्री. हिस्ट्री में क्या होता है कि ये कई बार बहुत रिसर्च के लिए डेंजर भी हो सकती है चीजें. तो इसमें मान लो इफ इवेंट्स टेक्स प्लेस बिटवीन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, हमने पहले प्री टेस्ट किया और फिर पोस्ट टेस्ट किया, इन दोनों के बीच में मान लो कुछ चेंजेस हो गया और बहुत सी चेंजेस इवेंट्स हैपन हो चुके हैं या बहुत सी चीजें ऐसी घटित हो गई जो हमें पता नहीं है, जो हमारी रिसर्च को अफेक्ट कर सकती है. तो इस तरह के जो इवेंट्स है वो हमारी इंटरनल जो वैलिडिटी को अफेक्ट कर सकते हैं रिसर्च की. द लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ टाइम इज ग्रेटर डेंजर ऑफ द रिसर्चर एंड द टाइम बिटवीन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट के बीच का जो टाइम होता है वो काफी खतरनाक होता है, क्योंकि हमने प्री टेस्ट किया किसी और सिचुएशन में किया. मान लो एक मोबाइल कंपनी ने या जो भी कंपनी, उसने रिसर्च की कोरोना वायरस आने से पहले, लेकिन अब कोरोना वायरस आ गए बीच में, बहुत सारी इफेक्ट किया, बहुत से कस्टमर को भी सेल को भी इफेक्ट किया, अब इसे पोस्ट टेस्ट करेंगे. अब जब भी ये खत्म हो गया इफेक्ट, तो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच का टाइम था जो, उसमें बहुत कुछ चेंजेस या बहुत सी घटना घटित होगी जो अफेक्ट किया, लेकिन जो हमारे पोस्ट टेस्ट करेंगे वहां पे सेम सिचुएशन नहीं होगी जो हमने प्री टेस्ट किया था, क्योंकि बीच में बहुत कुछ चेंजेस हो चुका. तो हमारे इकोनॉमिक पोस्ट टेस्ट करेंगे तो वो उस टाइम वो सिचुएशन नहीं आएगी होगी जिस टाइम हमने प्री टेस्ट किया था, जब जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी अगर पोस्ट टेस्ट करेंगे. तो इस तरह की जो है वो अफेक्ट कर सकती है हमारी स्टडी को. फिर मैच्यूरेशन. मैच्यूरेशन क्या होता है कि जब हम चेंजेस करते हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, बहुत हिस्ट्री भी आ सकती है, मैच्यूरेशन भी आ सकता है. मैच्यूरेशन मतलब मैच्योरिटी,
कि जो हमारा टेस्ट करेंगे जो भी डाटा लेंगे क्या हमारा जो भी मैच्योर होगा डाटा कि इस टाइम हमने इस मोमेंट पे ये डाटा कलेक्ट करना है, तो उसमें बहुत हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब टाइम से रिलेटेड है सारा का सारा ये कि किस टाइम हमने डाटा कलेक्ट करना है, कब जो सही टाइम है डाटा कलेक्ट करने का। तो इसके अंदर हिस्ट्री और मैच्योरेशन दोनों को दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। ये देखो रिपीट ऑब्जर्वेशन है, इसमें इंक्लूड होता है सेम वेरिएबल्स पे। कई बार क्या कहते हैं बार बार रिसर्च कर देते हैं हमारे जो मैच्योरेशन लाने के लिए और हमारी स्टडी को करेक्ट करने के लिए बार बार रिसर्च कर देते हैं और सेम वेरिएबल पे, तो वो तो सेम वेरिएबल बार बार करेंगे तो वो तो टाइम खराब करने वाली बात है। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन बार बार जब ऑब्जर्वेशन करेंगे एक सेम वेरिएबल पे तो कई बार क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उसमें सेम रहते हैं तो उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते हमारी स्टडी में, सेम वही रिजल्ट लेते रहते हैं, वेरिएबल्स हम सेम ले रहे हैं बार बार। उसके बाद आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है कि टेस्टिंग पार्टिसिपेंट सेवरल टाइम्स कैन बी कंटामिनेट रिजल्ट्स, रिजल्ट को गड़बड़ा देती है पूरी की पूरी अगर बार बार टेस्टिंग करेंगे पार्टिसिपेंट्स को सेवरल टाइम। एक ही पार्टिसिपेंट्स है या जो भी डाटा हमने इंक्लूड कर रखे हैं जो भी वेरिएबल्स हमने दे रखे हैं हमारी स्टडी के अंदर उसका बार बार स्टडी करेंगे तो हमारे रिजल्ट को वो बार बार इफेक्ट करेंगे। तो सेवरल टाइम्स नहीं जो लिमिटेड टाइम हमें वो करना चाहिए बार बार ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट है थोड़ा डिफरेंट आ सके। अगर सेम ही रिजल्ट हम करेंगे बार बार करेंगे तो उसका जो टेस्टिंग करेंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा हमारा, तो रिजल्ट बिगड़ जाएगा सर। उसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट डिके। इंस्ट्रूमेंट डिके का मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया है रिसर्च ने एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनेयर हमने लिया है या सर्वे मेथड लिया है या टेस्ट लिया है या ऑब्जर्वेशन मेथड लिया है या पार्टिसिपेशन मेथड लिया है, तो इंस्ट्रूमेंट क्या है डाटा कलेक्शन की जो मेथड्स हैं उनको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो अगर इंस्ट्रूमेंट हमने गलत ले लिए तो हमारी इंस्ट्रूमेंट वैलिडिटी है मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट अगर बार बार चेंज करेंगे तो हमारी रिजल्ट गलत हो जाएगी। मानो क्वेश्चनेयर हमने मेथड लिया है तो थ्रू आउट पूरी स्टडी हमने क्वेश्चनेयर मेथड ही रखना पड़ेगा। अगर हम क्वेश्चनेयर मेथड से टेस्ट या सर्वे मेथड पे आ गए तो हमारी वो स्टडी को गलत कर देगा या जो हमारी स्टडी है रिजल्ट है वो अप्रिपेयर नहीं आएंगे, तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। फिर स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन का मतलब क्या है कि जो कई बार क्या होता है कि हम आज जो स्टडी कर रहे हैं ठीक है उसमें रिजल्ट मान लो कम आया प्री टेस्ट में, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन क्या करता है कि पर्टिकुलर हाई फॉर एग्जांपल द स्कोर्स है, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन कैन बी थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं, मान लो इंटरनली हमारा रिसर्च को गलत कर सकते हैं। व्हेन दीज स्कोर्स आर पर्टिकुलरली हाई और लो, जब ये अगर हाई और लो हो दे आर एक्सट्रीम स्कोर्स, एक्सट्रीम जो एक्सटर्नली अफेक्ट कर रहे हैं हमारी स्टडी को वो होते हैं एक्सट्रीम स्कोर, तो देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ दीज स्कोर टू मूव। इन स्कोर की टेंडेंसी क्या होती है ये मूव करते हैं रिग्रेस मतलब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मीन, जो मीन स्कोर है हमारा एवरेज है जो मीन वैल्यू है उसकी तरफ ये डाटा हमारा बढ़ता है, तो ये इसकी टेंडेंसी होती है स्कोर की। तो सो एन इंडिविजुअल व्हेन एन एक्सट्रीमली हाई स्कोर ड्यूरिंग द प्री टेस्ट, मान लो प्री टेस्ट में क्या था हाई स्कोर था ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट गेट्स ए लोअर स्कोर, लेकिन लोअर स्कोर आया ऑन द पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंट एंड एन इंडिविजुअल विद एक्सट्रीम लो स्कोर ड्यूरिंग द प्री टेस्ट में लो स्कोर था और उसको हायर स्कोर आ गया किसमें ऑन द पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंट में, तो इस तरह की रिसर्च है वो मिसलीड या हमारी इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करती है। तो मान लो हमने एक हाई स्कोर है उसका प्री टेस्ट में एक तो मान लो उसके 80 नंबर है 100 में से, फिर उसको ट्रीटमेंट दिया पढ़ाया उसके बाद उसका पोस्ट टेस्ट लिया उसमें उसने लो स्कोर आया, गड़बड़ है कहीं, तो एक इंडिविजुअल एक्सट्रीमली लो स्कोर है बिल्कुल कम है लेकिन उसका प्री टेस्ट में तो कम स्कोर आ रहा है, मेजरमेंट किया मेजरमेंट करके देखा तो उसका रिजल्ट तो बहुत हाई आ रहा है, तो इतना एकदम से हाई कैसे आया, तो ये क्या है स्टडी कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ है इंटरनल वैलिडिटी में
या कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है या तो हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स में गड़बड़ है। तो इसमें देखो स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन आ गया समझ में, क्योंकि जो मीन की तरफ बढ़ेगा, जो भी स्कोर से मीन की तरफ जाएगा, ये तो है नहीं क्योंकि उससे एकदम दूर चला जाएगा या बिल्कुल कम आ जाएगा, दूर है तो नजदीक आ जाएगा, नजदीक है तो दूर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सबकी टेंडेंसी होती है कि धीरे धीरे एवरेज स्कोर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे करेक्ट रिजल्ट आता जाएगा वो एवरेज या मीन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इसमें हम टेस्ट करेंगे, ये तो है नहीं कि हमने टेस्ट किया तो बहुत कम स्कोर था और उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, या बहुत ज्यादा है प्री टेस्ट में और पोस्ट टेस्ट में बहुत कम हो गया, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो धीरे धीरे रिजल्ट आते हैं। अब उसके बाद सिलेक्शन है। सिलेक्शन का मतलब है कि जो हम ग्रुप्स लेंगे हमारी स्टडी के लिए वो कंपेयर करेंगे, हम सिमिलर से तो कंपेयर कर नहीं सकते, डिफरेंट होंगे, एक ग्रुप डिफरेंट होगा दूसरा डिफरेंट होगा, तो एक वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर, जैसे एज, बिहेवियर, जेंडर, हाइट, इंटेलिजेंस, वेट और भी बहुत से फैक्टर हो सकते हैं इसके अंदर, इनकम लेवल, रेजिडेंशियल, और भी डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं। तो सिलेक्शन बायस है, ये हो सकता है अगर ग्रुप्स दैट आर बीइंग कंपेयर्ड आर नॉट सिमिलर, अगर जो ग्रुप हम कंपेयर कर रहे हैं वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि अलग अलग है, सबके फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, कोई एज में बड़ा है, कोई छोटा है, किसी का बिहेवियर कुछ है, किसी का कुछ है, कुछ का जेंडर कुछ है, किसी का हाइट कुछ है। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट करेंगे स्टार्टिंग में, तो जो हम वेरिएबल्स लेंगे तो दो ग्रुप बनाते हैं हम, तो ग्रुप है तो एक पर तो स्टार्टिंग में जो ग्रुप लेंगे वो तो सिमिलर ही लेंगे ना, जैसे तुम्हारा जो टेस्ट किया मैंने क्लास का एक, तो उसमें तो सारे के सारे बच्चे सिमिलर है भाई, बिना टेस्ट किए तो बिना पढ़ाए तो एक हो सब इक्विवेलेंट हो। उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया, उसके बाद हो सकता है किसी पे ज्यादा इम्पेक्ट पड़ा, किसी पे कम पड़ा, तो उस केस में मान लो दो ग्रुप है मैंने, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ग्रुप बना लिए मैंने, तो एक ग्रुप मैंने सेम रखा है, दूसरे ग्रुप पे मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके मैंने देखा कि ये ग्रुप है ये और ये ग्रुप है, इसमें कुछ चेंजेस हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो इसमें मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया, इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट दिया है, ट्रीटमेंट दिया है इसको मैंने, फिर इसमें हम दोनों में कंपेयर करेंगे दोनों ग्रुप को। तो स्टार्टिंग में दोनों ग्रुप सिमिलर होने चाहिए, तभी तो हम देखेंगे जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है बी, जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पे करके देखेंगे, फिर अगर या तो ये सिमिलर रहे, ये बिना ट्रीटमेंट दिया, ये मान लो सेम है इसमें 60%, इसके मैंने ट्रीटमेंट देने के बाद भी 60% है, सिमिलर रहे, इट मीन्स हम कह सकते हैं जो हमने ट्रीटमेंट दिया बीच में इनको बी को, वो कोई इफेक्टिव नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा हमारी स्टडी का, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया, अभी जो एनालिसिस किया है, जो ट्रीटमेंट दिया है, तो हमारा ट्रीटमेंट वहाँ पे या इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट देने के बाद भी वही रिजल्ट आ रहा है जो बिना ट्रीटमेंट दिए वाले ग्रुप में भी आ रहा है, इट मीन्स हमारी स्टडी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या जो ट्रीटमेंट दिया वो इफेक्टिव नहीं है। तो इस तरह के स्टार्टिंग में हमें सिमिलर रखना पड़ेगा, अगर नॉट सिमिलर होगा तो वो हमारा बायसनेस आ गई, बायसनेस आएगी, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग एज के लोग होंगे, अलग अलग, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, एक तो एक टीचर को बढ़ा दे, एक स्टूडेंट को बढ़ा दे, तो दोनों बीच में हम टेस्ट लेंगे तो ऑब्वियसली टीचर के ज्यादा आएंगे मार्क्स, तो वहाँ पे बायसनेस हो जाएगी पूरी की। फिर उसके बाद आता है हमारा ओरल्टी, ओरल्टी है ड्रॉप आउट, ये लॉस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब लॉस ऑफ सब्जेक्ट, थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी ड्यू टू द इलनेस, मान लो इलनेस हो गई या फैमिली रिलोकेशन हो गई या किसी फैमिली की डेथ होगी या जो भी रिसर्चर उसकी डेथ होगी, तो इस केस में क्या होता है, कई बार स्टडी हमारी ड्रॉप आउट हो जाती है बीच में, तो सब्जेक्ट में भी एब्सेंट जो सब्जेक्ट है वो छूट जाता है, डाटा कलेक्शन जो भी करके वो हमारी स्टडी टोटली फेल हो जाती है, ड्रॉप आउट हो जाती है। उसके बाद है प्रॉब्लम विद एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो इंटरनल वैलिडिटी तो मैंने करवा लिया जो इंटरनली हमारे रिसर्च को अफेक्ट करती है, अभी यहाँ पे एक्सटर्नल,
externally. कौन आया दुकान तो इसमें देखो प्रॉब्लम्स विद एक्सटर्नल वैलिडिटी कौन सी होती है जो हम एक्सटर्नली जो हमारी स्टडी को इफेक्ट करती है जिसको हम एक्सटर्नल वेरिएबल बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल भी हो सकते हैं और कई बार कौन सा क्या हो सकता है कि जो हमने स्टडी ली है या जो हमने डाटा लिया है वो हमारी स्टडी से बाहर है तो इसमें क्या है कि वो फैक्टर हम इसमें इंक्लूड करते हैं जो एक तो वो फैक्टर है जो हमने इंक्लूड कर रखे हैं हमारी स्टडी के वो तो हमारी इफेक्ट करेंगे करंट स्टडी इसके अलावा हमारे जो फैक्टर ले रखे हैं उससे भी बाहर जो फैक्टर्स हैं वो हमारी स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं वो हमारे कौन से हो जाएंगे एक्सटर्नल वेरिएबल्स मान लो हमारे पास कौन से होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और इंडिपेंडेंट कंट्रोल वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स इसके अलावा जो भी हमारे अफेक्ट वो वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी स्टडी को बाहर से वो हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर हमारी वो किस किस से अफेक्ट हो सकती है मान लो हमने स्टडी में ले लिया इसमें रेन वे ऑफ हार्वेस्टिंग ठीक है और हमने फर्टिलाइजर्स ये हमने फैक्टर्स ले लिए ये हमारे क्या हो गए इंडिपेंडेंट फैक्टर और ये एग्रीकल्चर क्या होगा जो एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है इन सब फैक्टर्स पे ठीक है ये हमारी स्टडी में हमने ले लिया फॉर एग्जांपल हमने स्टडी की लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो और भी अफेक्ट कर सकते हैं कौन से हो सकते हैं फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ सीड्स सीड्स की क्वालिटी वो भी अफेक्ट कर सकती है ठीक है क्वालिटी ऑफ सॉइल सॉइल की क्वालिटी वो भी अफेक्ट कर सकती है तो इस तरह की जो इफेक्ट जो हमारे स्टडी में नहीं ले रखे जो बाहर से भी अफेक्ट कर सकते हैं वो हमारे कौन से हो गए एक्सटर्नल वेरिएबल जो हमारे एक्सटर्नल वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं ठीक है समझ में आ गया कोई तो बोलो सारे सो गए क्या नो सर चुप चुप हो सारे कोई नहीं बोल रहा या म्यूट करके अपने अपने काम करने लग रहे हैं सारे हैं नो सर ध्यान दे रहे हो या नहीं या मैं भी बोले जा रहा हूँ ठीक है फिर होता रिएक्टिव इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ प्री टेस्टिंग रिएक्टिव और इंटरेक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ प्री टेस्टिंग क्या होती है जो ट्रीटमेंट देने से पहले की जो टेस्टिंग हमारी ए प्री टेस्टिंग माइट इंक्रीज और डिक्रीज ए सब्जेक्ट सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस टू द एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल है जिस वेरिएबल पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्रीकल्चर ये क्या होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स तो कई बार क्या होता है प्री टेस्ट है वो कई बार इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो सकता है वो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिव पे डिपेंड करता है जो एक्सटर्नल जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स है उस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो प्री टेस्ट है वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है तो इंटरेक्शन इफेक्ट हो सकता है प्री टेस्ट को अगर हम साइज हमने वेरिएबल ज्यादा ले लिया कम ले लिए तो हमारी इफेक्ट करेंगे प्री टेस्ट की उसके बाद आता है अनरिप्रेजेंटेटिवनेस कई बार क्या होता है कि जो सैंपल लिया है हमने एक्सपेरिमेंटल के लिए वो रिप्रेजेंट नहीं करता होल पॉपुलेशन को तो जब अनरिप्रेजेंटेटिवनेस हो जाता है जो हमारा सैंपल है व्हिच इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो स्टडी है कई बार गलत हो जाती है
हम देखेंगे कि जो डाटा की एप्रोप्रिएट साइज क्या होनी चाहिए कि ताकि वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी पॉपुलेशन में, इतना बड़ा भी ना लो सैंपल साइज कि जहाँ पे वो हमें से रिसर्च ही ना हो सके, इतना यही हो सारे। यस सर। इसमें देखो अनरिप्रेजेंटेटिवनेस का मैं क्या बता रहा था कि जो स्टडी लेंगे हम सारे पॉपुलेशन को ऐसा होना चाहिए कि जो पीपल या जो ग्रुप्स हम लेंगे वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि ताकि वो पूरा का पूरा जो सैंपल लेंगे वो उसमें पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जो पॉपुलेशन है उनकी सब सारी पॉपुलेशन हर करेक्टरिस्टिक एक सैंपल में होनी चाहिए ताकि पूरा सैंपल एक पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। फिर आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी क्या होती है, कई बार क्या है कि पीपल को ये फील ना होने दो ए बी हो गया, तो बताओ अपने रिसर्च का कि क्या हम क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन पूरे चीजें ना बताओ, कई बार हम बता देते हैं हम ये रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होता है कई बार सारे और कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, जैसे हम कुछ पूछते हैं या भरवाते हैं क्वेश्चन या सर्वे करने जाते हैं तो अपने आप को स्मार्ट बन के आर्टिफिशियली भी अपना जो होने लगता है कि मैं ये हूँ ये हूँ, तो कई बार क्या होता है गर्ल्स का रिजल्ट है जब स्टडी वो आर्टिफिशियल बन जाती है, वो लॉजिकल तो लॉजिकली जो क्या है लॉजिक नहीं रहता रिसर्च वो आर्टिफिशियल ज्यादा लगने लग जाती है, ओरिजिनल कम लगने लग जाती है, तो कई बार हम कहीं कुछ पूछने जाते हैं किसी भी मान लो कोई सर्वे कर रहे हैं मोबाइल से कस्टमर्स का, तो उस केस में हम कस्टमर्स को ना भी यूज करता होगा ना उस फोन को, वो अपनी राय देने लग जाएगा कि हाँ ये फोन ये ले लो ये मत लो ये फोन ले लो, कई बार पूछते हैं ना अपने साथ वालों से कौन सा फोन ले बताओ, बेसिक से उन्हें यूज ना किया हो फिर भी वो उसका बताने लग जाएगा, तो या तो हम स्टडी करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ ज्यादा मत बताओ ताकि हमारी जो स्टडी है ओरिजिनल रहे वो बायसनेस ना हो स्टडी के अंदर और आर्टिफिशियल ना लगे, अगला बताए तो ओरिजिनल ही बताए कुछ ऐसा ना लगना चाहिए उसको कि हम उसका कुछ इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि वो या तो अवॉइड करने लग जाएगा या कुछ एक्स्ट्रा ही बोल जाएगा, तो आर्टिफिशियल बन जाती है हमारी स्टडी ज्यादा। फिर देखो ये आते हैं प्रैक्टिकल इश्यूज, कौन कौन से प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं ये मैंने बता दिया अभी बता रहा था मैं कि हाउ मच डू यू टेल पार्टिसिपेंट, इतना ही बताओ कि उसको ये समझ में आ जाए कि रिसर्च कर रहे हैं बस, या ना बताओ क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं क्या इसका इफेक्ट होगा, ज्यादा ना बताओ नहीं तो आर्टिफिशियल बन जाती है स्टडी। उसके बाद है हाउ मेनी पार्टिसिपेंट, कितने पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, अगर डिफरेंट मेथड्स है रिक्वायर है अगर डिफरेंट सैंपल साइज चाहिए तो इस केस में हम एक्सटर्नल जो वैलिडिटी का ध्यान रखेंगे, तो सैंपल साइज हमारी रैंडमली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नॉन रैंडमली बहुत टाइप हम यूज कर सकते हैं, एंड अगर ज्यादा बड़ी है जहाँ पे इनफ है अगर बिग इनफ है कोई सेलेक्ट किया है जो सैंपल साइज, एंड अगर इंटरनल वैलिडिटी सवाल है वहाँ पे हम क्या करेंगे सैंपल साइज इज यूजुअली स्मॉल लेंगे वहाँ पे ताकि हमारी जो इंटरनल वैलिडिटी वो बनी रहे, तो ये ध्यान रखो जहाँ पे ज्यादा बड़ा ज्यादा पॉपुलेशन है वो ज्यादा वहाँ पे गौर नहीं हो सके पूरा का पूरा, तो उसमें हम रैंडमली और नॉन रैंडमली दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। द सैंपल साइज बोथ रैंडमली भी हो सकती है सिलेक्टेड एंड रैंडमली सिलेक्टेड भी हो सकती है और बी कनेक्ट भी हो सकती है, एंड इफ आवर कंसर्न इज इंटरनल वैलिडिटी, अगर हम इंटरनल वैलिडिटी से कंसर्न है उस केस में हमने सैंपल साइज छोटा रखा है। हाउ शुड पार्टिसिपेंट बी रिक्रूटेड, कैसे रिक्रूट करेंगे जो पार्टिसिपेंट जिनका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो पार्टिसिपेंट कैसे हम करेंगे, फॉर ए लार्ज सैंपल साइज वी सिलेक्ट पीपल रैंडमली, जो लार्ज सैंपल साइज है उसमें तो रैंडमली करेंगे, जहाँ पे सैंपल साइज हमारा छोटा है तो हम कौन सी करेंगे, द स्मॉल इज द बेस्ट मैन दैट इज रिप्रेजेंटेटिव, अगर जहाँ पे पॉपुलेशन सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है उस केस में हम स्मॉल सैंपल यूज करेंगे जहाँ पे छोटी पॉपुलेशन है, बट इवन इफ यूज रैंडम सैंपलिंग, अगर रैंडम सैंपलिंग यूज करेंगे we will not end up with the representativeness, तो representativeness पे हम खत्म नहीं होंगे बात, अगर जहाँ पे sample लेंगे उस केस में हम representative sample लेंगे, क्योंकि जो ethical guidelines है वो कहती है कि as we cannot force anyone, किसी को भी force नहीं कर सकते हमारी research का एक participant बनने का, ठीक है, कोई भी हम study करेंगे sample चाहे देंगे हम किसी को force तो नहीं कर सकते,
कि तुम हमारी स्टडी में इंक्लूड हो जाओ या तुम हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आ जाओ, किसी को फोर्स नहीं कर सकते उस केस में। तो उसमें जब जहां पे हम बात आती है सैंपल साइज की, मैं ऊपर बताया था, ये देखो और लार्ज सैंपल साइज मैंने क्या किया था, क्या हम पीपल को रैंडमली हम सिलेक्ट करते हैं। द सैंपल इज बेस्ट व्हेन दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। सैंपल बेस्ट कब रहता है, जब हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हो, कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता हो। बट लेकिन अगर हम रैंडम सैंपलिंग यूज करते हैं तो हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल तक ही नहीं हम सीमित कर सकते, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग हम यूज करेंगे तो रैंडमली में क्या होता है, हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रैंडमली का मतलब तो यही है, कोई भी, एवरीबॉडी हैव द इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते एनीवन टू पार्टिसिपेट। तो वो हम विड्रॉ करना पड़ता स्टडी में। कई बार हमने मान रैंडमली ले लिया, बाद में कहेगा भी रैंडमली में स्टडी में लिया, मैं आपकी स्टडी में इंक्लूड नहीं होना चाहता, तो कई बार हम